इन मजदूरों के सवालों में अपने उन 40 भाइयों की फिक्र है जो लगभग 4 दिनों से उत्तरकाशी की इस सुरंग में फंसे हुए हैं। कहने को तो उन्हें सही सलामत बताया जा रहा है, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक कैसे ये भरोसा कर लें? टनल के बाहर लगी इस भीड़ के मन में भी यही सवाल है कि कब तक हमारे मजदूर भाई बाहर आएंगे। यहाँ पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे कार्यरत हैं और हर तरह इन मजदूरों को निकालने का प्रयास कर रही हैं। हैवी ड्रिलिंग मशीनें लाई गई हैं, जिसकी मदद से इस सुरंग से मजदूरों को निकाला जाएगा। यह कार्य सुलभ हो और इसको गति मिले, इसीलिए इतना बड़ा ये एफर्ट किया गया है और बहुत हैवी मशीनरी है ये, और रेट ऑफ इसकी ड्रिलिंग फास्ट है और कार्य को जल्दी पूरा किया जा सके इसके लिए ये मशीन मंगाई गई है। और लगातार भारत सरकार भी इसमें मॉनिटरिंग कर रही है, राज्य सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है और हम सबका एक साझा प्रयास है कि इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी और सुरक्षित तरीके से पूर्ण करें। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों तक खाने के लिए क्या क्या पहुंचाया जा रहा है, सुनिए। दाल चावल तो नहीं पहुंचा सकते, तो मुरमुरे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर हमने अंकुरित किए हुए दाल है, चावल है, इस तरह की चीजें हम उनको पहुंचा रहे हैं। वाटर जूसेस नहीं, वाटर पे हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि जूसेस हमें अभी रिकमेंड नहीं किया गया कि जूसेस वगैरह ना। तो सभी लोग सुरक्षित हैं? सबसे सब सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। बाहर दूसरे प्रदेश से भी, जैसे मैं झारखंड का हूँ, झारखंड से भी अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी आए, वो भी यहाँ से देख के जा रहे हैं। उनसे हमने बातें कराई हैं कि वो ठीक है और वो जानकर उनको खुशी हो रही कि हमारे स्टेट से लोग आ रहे हैं। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ से इनके रिश्तेदार आ रहे हैं, उनने हमने ठहरने की व्यवस्था कराई गई है। हैप्पीनेस, खुशी भी आप उन तक पहुँचा रहे हैं? हैप्पीनेस तो नहीं, एक संतुष्टि की आपके लिए हम खड़े हैं, हम आपको निकाल लेंगे। लगातार इनसे संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन कब तक ये बड़ा सवाल है। इन लोगों की सलामती के लिए यहाँ पूजन भी करवाया गया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। बस अब इंतजार है कि जल्द से जल्द 40 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला जाए।